I was quite impressed. I think Mr. Tucker told me Gujarat has close to 60 million inhabitants. And then I recalled 15, 20 years ago, we reunited East and West Germany. And West Germany at that time had 60 million inhabitants than me. Gujarat is as big as my former hometown, and I think only this is very impressive. Thanks for coming. I'm happy to see you all here today. I take this opportunity to welcome Mr. Peter Hone, MD and CEO of Mercedes-Benz India, on his first visit to Gujarat. Mr. Hone comes with a rich experience from across the world in his long career with Mercedes. He is the right man to lead Mercedes at this crucial stage when India is likely to become the third largest market in the world. Today, we inaugurate our state-of-the-art 3S Mercedes dealership at Ahmedabad. This is indeed a proud moment for us. Our association with Mercedes-Benz is just over 2 years old now. In this short time, we have been able to achieve a lot of things. I'm listing down a few of them. Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kuru Mehe Sarva Karye. Excuse me, sir. Yeah, no. Yeah. Yes, sir, that's it. Yes, sir. What's the lens use, sir? Yes, sir. I'm 135. 18-135. अरे भैया बस ने तो शाय है, आपने देखा है? देखते हैं सब, कैसा लगता है यार? ये जो नवरात्रि का एपिसोड है, इसमें कुछ ऐसा है कि डांडिये के दौरान एक लड़की का कत्ल होता है और शक लड़की का जो बॉयफ्रेंड है उस पर जाता है। सारे सबूत भी ये कहते हैं कि जो मर्डर है, जो कत्ल है, उसी लड़के ने किया है। दरअसल जाहिर सी बात है कि कत्ल किसी और ने किया है। मैं बड़ा ही कलरफुल रंगीन, चूंकि नवरात्रि होती ही इतनी रंगीन, बड़ा रंगीन उत्सव होता है नवरात्रि, और इसलिए मेरा ख्याल है कि एपिसोड भी बहुत रंगीन बनेगा। बहुत सारा सस्पेंस है इसमें, आप लोग देखिएगा जरूर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अगर आपने ट्रेलर में जैसे देखा कि इंटरनेशनल स्तर पे ये फिल्म बनी है और लगभग आप देखेंगे कि 9 देशों में ये फिल्म शूट हुई है और 16 शहरों में पूरी दुनिया के, और इसमें इंटरनेशनल कलाकार हैं काफी किस्म के, जैसे सरिता चौधरी बहुत फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, साजिद हसन पाकिस्तान के बहुत बड़े कलाकार हैं, इसी तरह रवि किशन हमारे इंडिया से हैं, अली खान है लंदन से, तो सारी जगहों पे जहाँ जहाँ शूट किया वहाँ के स्थानीय बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में हैं, और
इसमें आप देखेंगे टेक्नीशियंस बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, डीओपी आइसल फिशर जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में कर चुके हैं। तो ये जो कहानी है अजान की, इन शॉर्ट बायोलॉजिकल टेररिज्म के ऊपर है, मतलब जो फ्यूचर है टेररिज्म का, जो अक्सर अब तक हमने देखा नहीं है लेकिन जो हो सकता है, एक वायरस के बारे में है जो एबोला करके वायरस है, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। अगर उस वायरस को अगर इंसान को लग जाए तो वो दो दिन में मर सकता, इतना खतरनाक वायरस है। उसको टेररिस्ट की दुनिया ने वेपन बना के हिंदुस्तान के अगेंस्ट यूज किया है, और उससे अपने देश को कैसे बचाना है अजान खान की, ये जर्नी अजान की है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो अक्सर मतलब ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आता, लेकिन इस फिल्म में हमने ये भी बताया कि हिंदुस्तान को थ्रेट, जिस तरह हम बार बार बोलते हैं कि एक मुसलमान ही एक टेररिस्ट होता है या इस तरह की बातें होती है, तो हमेशा हम सोचते हैं कि पाकिस्तान देश के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, लेकिन पाकिस्तान इस फिल्म में बताया गया कि एक मिडिल मैन थ्रेट जो है हमको चाइना से, और जो वाकई में बड़े पैमाने पर एक्टिविटी कर रहा है, गतिविधि कर रहा है। गुजराती पत्रकारत्वमां सौथी नानी उम्रे फुलशॉपमां तंत्री बन्यानुं गौरव हासिल करनार श्री भूपतभाई वडोदरिया पत्रकार उपरांत उच्च कोटिना साहित्यकार हता, तेमनी चीर विदायथी पत्रकार जगते अने साहित्यकार ने न पूराय तेवी खोट पड़ी छे।